सुबह बाल धोने से पहले एलोवेरा को इस तरीके से बालों पर लगा लीजिए। आपके बाल तेजी से लंबे होंगे, बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा, आपके बाल जड़ों से मजबूत भी होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलोवेरा के पत्ते का इस्तेमाल करा है। एलोवेरा का पौधा मैंने अपने घर पर ही लगाया हुआ है और लीफ को हमें कुछ इस तरीके से कट करना है। पहले एजेस रिमूव करनी है और उसके बाद ऊपर वाले छिलके को आपको हटा लेना है। ऐसा करने से एलोवेरा जेल को निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फ्रेश एलोवेरा जेल की बात ही अलग होती है। एलोवेरा बालों को हाइड्रेशन देने का काम करता है, ड्राई और डैमेज हुए बालों को दोबारा रिपेयर करने में भी मदद करता है। अगर आपके भी बाल ड्राई हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग आयरन यूज कर करके, कर्लिंग वॉन्ड्स को यूज कर आपके बाल डैमेज हो गए हैं, तो आपके डैमेज को दोबारा रिवर्स करने का काम करता है एलोवेरा जेल। तो यहां पर मैंने देखिए क्या करा है, एलोवेरा जेल को स्कूप आउट करना शुरू कर दिया है। बड़ी ही आसानी से हम इसमें से एलोवेरा को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से मैंने सारा जेल एक साइड निकाल लिया है और जेल को हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी जो एलोवेरा जेल है ना वो लम्ब्स में है, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से को पहले निकालना है और फिर इसे हम मिक्सर में ब्लेंड कर यूज करने वाले हैं। एलोवेरा को बालों पर लगाना वाकई में बहुत ही कमाल का आइडिया है, एक बार ट्राई कर देखें, फैन हो जाएंगे आप। शैम्पू और कंडीशनर यूज करना ही भूल जाएंगे। महंगे महंगे जो हम लोग शैम्पू कंडीशनर में पैसे लगाते हैं ना, एलोवेरा जेल इतना अच्छा काम करता है कि बालों को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, डैमेज को रिवर्स करने का काम करता है, चोटी को मोटा करने के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट है बालों की थिकनेस को बढ़ाने के लिए। और अब इस एलोवेरा जेल में हम डालने वाले हैं कॉफी पाउडर। तो मैं यहां पर एक बड़ी चम्मच भरकर कॉफी पाउडर डालने वाली हूं। तो ये देखिए, मैंने इसमें कॉफी पाउडर डाला है एक चम्मच भरकर और इस तरीके से मैं स्पून की मदद से एलोवेरा के पीसेस को कट करती जा रही हूं। कभी भी मार्केट वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल मत करिए, उसमें बहुत सारा केमिकल, कलर, प्रिजर्वेटिव, ये सब चीजें डली हुई होती हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को बढ़ा देती हैं, बालों को डैमेज कर देती हैं। तो अगर आप भी अपने बालों को दोबारा सुंदर बनाना चाहते हैं, चोटी को मोटा करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करिए। ये देखिए, अब मैं ब्लेंडर में दोनों चीजों को डालूंगी और स्मूथ सा पेस्ट बनाकर हमको इसका तैयार कर लेना है। जितना चिकना हमारा हेयर मास्क बनेगा, उतना अच्छे से हम इसे अपने पूरे बालों पर अप्लाई कर पाएंगे। इसे आपको 1 से 1.5 घंटे अपने बालों पर लगाकर रखना है ताकि एलोवेरा अपना काम कर पाए, आपके डैमेज बालों को दोबारा से सुंदर बना सके। लंबे घने बाल हर कोई पाना चाहता है, लेकिन हमारे बाल लंबे ना होने का कारण है कि हमारे बाल झड़ जाते हैं, हेयर फॉल इतना होता है कि बाल लंबे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बालों को लंबा करने के लिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए हम इसमें 1 चम्मच भरकर नारियल का तेल भी डालेंगे। कोकोनट ऑयल बालों को सॉफ्ट बनाता है, फ्रिज को रिमूव करता है, बालों को बाउंसी और वॉल्यूमिनस दिखाने में भी मदद करता है। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से इसमें नारियल का तेल डाला है, इसे ब्लेंड कर लिया है, इसे मिक्स करा है और अब आपको इस मास्क को अपने बालों पर अप्लाई करना है। मैं तो हर संडे टू संडे अपने बालों पर एलोवेरा से बनने वाला हेयर मास्क अप्लाई करती हूं। बालों को वॉश करने से 1 घंटे पहले इसको लगाएं और घंटे भर तक लगाकर रखिए। 1 घंटे बाद माइल्ड शैम्पू से बालों को वॉश करें, कंडीशनर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक डीप कंडीशनिंग हेयर स्पा ट्रीटमेंट है हमारे बालों के लिए, इसलिए आप कंडीशनर को स्किप कर सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो।